Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरव भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारिणे कलितुम धर्म संस्थापक लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन रघुजीव श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहम विधि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद्य देव चाहम। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोका नंबर 3। तो श्लोक एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। उत्साह निश्चया धैर्या सतत कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ते सद्भिर् भक्ते प्रसिद्यति। तो हम लोगों ने देखा था धैर्य के बारे में, देखा था हम लोगों ने कैसे धैर्य रखना चाहिए हम लोगों को। और आज आगे श्री रूप गोस्वामी तत्त कर्म प्रवर्तनात् के बारे में बता रहे हैं। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे पहले बताया गया है कि हमें कभी शांत नहीं बैठना, हमें आइडल नहीं बैठना है हम लोग को, और हमेशा उत्साह पूर्वक अपने जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना है। फिर आगे कहते हैं कि जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं उसको जब हम दुर्लक्ष्य करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो वो हमारी भक्ति का नाश कर देगा। फिर आगे कहते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना में, आंदोलन में चार बेसिक प्रिंसिपल हैं जो हम लोग जानते हैं, इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग और इंटॉक्सिकेशन। इनको चार को हमको इनसे दूर रहना है। और फिर कहते हैं कि एक भक्त को हमेशा उत्साहपूर्वक रहना चाहिए ये सब नियमों का पालन करने के लिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी ढीला पड़ता है तो उसका प्रोग्रेस जो है भक्त में वो रुक जाता है। श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तत्त कर्म प्रवर्तना वन मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ वैदिक भक्ति। जो वैदिक भक्ति है उसके जो भी नियमावली है, जो भी नियम है, उसको हम लोग बहुत ही एकदम कठोरता से उसका पालन करना है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि चार यम हैं और नियम है। और जैसे कहते हैं, जैसे नियम जो है वो है 16 माला का जप करना। तो हमें ये सारा जो गतिविधि है बहुत ही श्रद्धा से और उत्साह से हमको इसका पालन करना चाहिए। और इसी को तत्त कर्म प्रवर्तना, जो हमको जो कर्म दिए हैं, हमारा कर्म वही है चार नियमों का पालन करना, जो यम और नियम है उसका पालन करना, और 16 माला का जप करना है। फिर आगे कहते हैं, फर्दर मोर इन द ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन डिवोशनल सर्विस वन मस्ट गिव अप। अच्छा, ये अभी संग त्याग के बारे में बोल रहे, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ और किसी का कोई कमेंट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे जैसे कि जप के बारे में बताया है कि यस वी शुड चैंट
जैसे कि हमें 16 माला करना है, बट उसके लिए भी प्रभु जी मतलब वी शुड बी एक्टिवली चैंट, वो भी इसमें लागू होता है ना प्रभु जी, कि हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ चैंट ही करना है, बस 16 माला खत्म कर दो, तो दैट ऑल्सो इट्स कमिंग इन द पार्ट ना प्रभु जी। सॉरी प्रभु, समझा नहीं मैं क्वेश्चन। हाँ प्रभु जी, जैसे कि यहाँ पे अभी जप करने के लिए बोला हुआ है कि जो जो वी हैव टू चैंट फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल प्लस वी हैव टू चैंट द 16 राउंड ऑन द बीट के ऊपर, तो जैसे कि हमें हाउ टू चैंट दैट ऑल्सो इट्स कमिंग अंडर इन दिस ना प्रभु, मतलब किस प्रकार से हमको भगवान का नाम लेना है, ऐसा नहीं कि बस 16 माला कर दो और मतलब अपना वो 16 माला का जो टारगेट है वो फिनिश कर दो, वो नहीं होना चाहिए, करेक्ट यहाँ पे। हाँ अरे गुस्सा या प्रभु करेक्ट, मतलब कुछ करने के लिए बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस 16 माला खत्म करके तुरंत जो है बीड बैग उठा के कहीं तो उसको फेंक दिया और जो है अपना बाकी काम में लगे, नहीं ऐसा नहीं। पूरा श्रद्धा के साथ, पूरा फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ हम लोगों को अपना माला जो है उसको करना चाहिए हम लोगों को, तो ही जो है हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जस्ट एज ए एक आउट ऑफ फोर्स करेंगे हम लोग तो वो उतना फायदेमंद नहीं रहेगा हमारे लिए। तो जो मतलब उत्साह जो इसमें बोला गया, जैसे प्रभु को समझ, उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ हम लोग को उसको करना चाहिए। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू ब्रो। एंड प्रभु जी, आपने जो आज एक मैसेज भी शेयर शेयर किया था, जो गुरु महाराज जी बोल रहे थे, दैट वाज वेरी नाइस, मतलब वो एक बहुत अच्छा मैसेज आपने शेयर किया प्रभु, तो थैंक्स यू फॉर दैट ये ऑल्सो। चैंटिंग कैसे होना चाहिए, वो भी बोलते हैं ना कि लोग बहुत जल्दी पेशेंस छोड़ देते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है, छोड़ देना चाहिए। तो महाराज बोलते हैं क्यों, मतलब तुम नियम का पालन नहीं कर रहे हो, 16 माला नहीं कर रहे हो, पंचतत्व मंत्र चैंट नहीं कर रहे हो, क्यों क्यों ऐसा? तो सारा जो मतलब कमी है वो हमारे में है, उस तरफ से कुछ भी नहीं है। हम लोग जो स्टेप लेना चाहिए वो नहीं ले रहे, उसके वजह से हम लोग पीछे हैं। हम लोग तो बहुत अच्छे से महाराज ने उसको एक्सप्लेन किया था। हरे कृष्णा। या प्रभु हरे कृष्ण, तो इसमें प्रभु एक सीख ये भी मिलता है प्रभु कि जब किसी से अगर ये क्वेश्चन कर रहे तो वी शुड बी फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कि हम वो आंसर भी हम ही है, वो आंसर भी शुड बी वेरी केयरफुल। वो एक बहुत अच्छा आपने प्रभु बाय सेंडिंग दिस मैसेज, तो नेक्स्ट टाइम से अगर कोई अगर कुछ क्वेश्चन करने तो पहले वो सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली आंसर भी हमारे अंदर ही है। थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। या मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन उसको मतलब बराबर शास्त्रिक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना चाहिए हम लोगों को। जैसे महाराज ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे वो जो डिवोटी थी उनका नाम है हरिध्वनि या ऐसा कुछ नाम है, हेलेन ब्राउन माता जी का नाम है। तो बहुत अच्छे से उन्हें पूछा कि मैं इतना साल से कर रहा हूँ लेकिन मतलब मेरा कुछ प्रोग्रेस नहीं, तो छोड़ने का मन कर रहा है मेरा। तो महाराज ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो दिस आर द थिंग्स वी हैव टू फॉलो, तो वो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है हम लोगों को। थैंक यू सरोदय प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे वो कहते हैं, हम लोग देखते हैं श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, फर्दर मोर इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन डिवोशनल सर्विस, अगर हमें भक्ति में यशस्वी होना है तो हमें जो अनडिजायरेबल, जो मतलब जो हमको भक्ति में रोक रहे हैं, ऐसे लोगों का संग हमको त्यागना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो लोगों का संग हमको भक्ति में आगे नहीं मतलब प्रेरित करता या
वो हमको रोक रहा है तो उनको हमें छोड़ देना चाहिए हम लोगों को। और फिर आगे कहते हैं दिस इंक्लूड्स कर्मीस ज्ञानीस एंड योगीस एंड अदर नॉन डिवोटीज। तो अभक्त तो श्योर है ही, मतलब अभक्त को तो पहले सबसे पहले दूर करना है, जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो उनको सबसे पहले दूर करना है हम लोगों को। फिर योगीस ज्ञानीस और कर्मीस जो हैं, ये भी हम लोगों ने देखा, ये मतलब दे आर नॉट, उनका संग जो है हम लोगों को आगे भक्ति में जो है वो नहीं ले जाएगा हम लोगों को। तो जैसे जो योगी है या ज्ञानी है या कर्मी, कर्मी भी जो है वो हमको मतलब वो अपना सिर्फ कर्मकांड में लगा है, ज्ञानी जो है वो ज्ञान में लगा है, योगी जो है वो परमात्मा रियलाइजेशन तक है। और जैसे हम लोगों ने सुबह देखा कि ब्रह्म सॉरी जो भगवान रियलाइजेशन है सबसे टॉप मोस्ट है, तो ऐसे जो भक्त हैं उनका जब संग करेंगे तो हम लोग शीघ्रता से भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और एक बार चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि उनके गृहस्थ भक्त थे उनके, तो उन्होंने पूछा कि वैष्णविज्म का प्रिंसिपल क्या है, तो उन्होंने बताया क्या, और वैष्णव को क्या जनरल रूटीन क्या होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। तो जो असत संग है यानी जो दुस्संग है वो जो तुरंत जो है उसको त्याग देना चाहिए। किसी ने पूछा वैष्णव आचार क्या, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने बोला असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। तो इनिशियली जो है हम लोगों को कभी कभी बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता है असत संग त्याग, हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, लेकिन हम लोग अगर डिटेन माइंड रहेंगे, हम लोग अपने भक्ति में हम लोग फोकस्ड रहेंगे, तो ये सब जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खुद ही छूटना शुरू हो जाते हैं हम लोग को। ये लोग ही हम लोग को छोड़ देते हैं, हमें उन्हें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये प्रैक्टिकल मैंने अपने लाइफ में एग्जाम्पल देखा है ये, कि मेरे जितने पुराने दोस्त थे, जितने मतलब अननेसेसरी रिलेटिव जो जो अरे आ जा घर पे आ जा, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं वहां पे चलते हैं साथ में खाना खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली सब जो है ये सब धीरे धीरे छूटता गया है वहां पे। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी आगे कहते हैं तादेर चरण सेवे भक्त सन्निवास। तो एक चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं कि अब जो असत संग है उसका त्याग करना है, और दूसरा है तादेर चरण, जो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका सेवा करना है, भगवान का सेवा करना है और भक्त के संग में करना है। वो कहते हैं वन हैज टू लिव इन द कंपनी ऑफ प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्त के संग में हमको रहना है और अपने जो भक्ति का प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करना है। हम लोग देखते हैं, हम लोग बहुत से लोगों को देखते हैं भक्ति करते हैं, लेकिन अगर उनका संग अच्छा नहीं है, अच्छे संग में नहीं है, प्रजल्प करते हैं और मतलब अननेसेसरी वो जो है मतलब फालतू चीजों में लगे हैं, तो फिर वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो तो इसके लिए बहुत जरूरी है संग जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। वी कैन से जैसे अगर कोई जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई साइकिल चला रहा है तो साइकिल के स्पीड से जाता है, लेकिन जब वो किसी मोटरसाइकिल को पीछे से पकड़ लेता है तो मोटरसाइकिल के स्पीड से जाता है, और वो किसी कार को पकड़ लेता है तो कार के स्पीड से जाता है। तो वो किसका संग कर रहा है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम लोग अगर जो साइकिल वाले जो संग कर रहे हैं तो हम लोग वैसी स्पीड में रहेंगे, मोटरसाइकिल वाले हैं तो वो स्पीड में रहेंगे, और कार वाले हैं तो हम लोग वो स्पीड में रहेंगे। तो अपना जो भक्ति है हम लोगों को बहुत अच्छे भक्तों के संग में करना है हम लोगों को। और वो कैसे हम लोग ढूंढेंगे, हम लोग अच्छा भक्ति का संग कैसे ढूंढेंगे, खाली मतलब जो एक्सटर्नल नहीं है, हम लोग ये जो है मतलब बड़े गले में कंठी माला पहना है, इतना मोटा जप माला है, वो सब नहीं, इंटरनली वो कितना हम्बल है, वो कितना प्योर है, कितना शुद्ध है, कितना अच्छा माला कर रहा है, कितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो जो है उससे हम लोग समझ सकते हैं। और ऐसे भक्तों का हम लोग को संग हमेशा करते रहना चाहिए। और फिर आगे कहते हैं ये जो भक्ति के प्रिंसिपल्स थे बहुत अच्छी तरह से जो षड गोस्वामी हैं उन्होंने रखे थे। और अगर
कहते हैं इफ वन लिव्स इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ एसोसिएटिंग विद नॉन डिवोटीज। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम भक्तों का संग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत कम चांस होगा कि हम लोग अभक्त का साथ करेंगे हम लोग। और प्रभुपाद जी फिर से वही पॉइंट बोल रहे हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस ने इस्कॉन जो है ये पूरा दुनिया भर में ये सेंटर इसीलिए खोला है ताकि ऐसे जो है लाइक माइंडेड पीपल वो लोग आए, एक साथ में रहें और भक्ति में आगे बढ़े। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, आई थिंक किसी ने हाथ उठाया था, सॉरी मैंने देखा नहीं। Somebody wanted to say something. You can take the comments. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। मतलब मुझे कुछ ये नहीं बताना था कि अभी हम लोग ने जो एनवायरमेंट जो डिस्कशन किया जिसमें अभक्त का संग मत करो, जो हम लोग अभी गुरु महाराज और डिवोटी की बात कर रहे थे कि मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि, तो प्रभु जी दिस ऑल्सो कैन बी वन मोर कॉज ना। अगर हम लोग अभक्तों के साथ संग रखेंगे, नॉन डिवोटी के साथ संग रखेंगे तो स्लोली स्लोली माया हम लोग भी जकड़ लेगी। ये भी एक वन वन मोर कॉज हो सकता है ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, एकदम बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने कि माया इस, मतलब इस जस्ट वेटिंग, और माया तारे झपटिया धरे विद द पाउंस ही विल कैच। तो अगर हम लोग अपना कॉन्शियस सही नहीं है, अपना संग अच्छा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली माया इज देयर टू कैच अस, और माया हम लोग को फिर तुरंत पकड़ लेती है हम लोग। इट्स ए वेरी नाइस पॉइंट, वैलिड पॉइंट है समीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दलत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ये जो असत्संग जो है प्रभु, जैसे कि हम उनका संग नहीं करना चाहिए, एंड जैसे कि दैट जैसे कि व्हेन वी आर इन होम, ओके वी आर वी विल अटेंड क्लासेस, बट दैट 8 hours एंड 10 hours विच वी स्पेंड इन आवर ऑफिस टाइमिंग प्रभु, सो हमारा मतलब एज अ मेरा एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ प्रभु, इट इज मतलब वो पूरा कॉन्सेंट्रेट वहीं पे हो जाता है, एंड वी आर फोकस ऑन, मतलब वो हमारा मन, मेरा मन पूरा उसमें रहता है कि ना वो काम में ध्यान देना है, और ऐसे लोग भी वहीं पे रहते हैं प्रभु मतलब। तो दैट टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ना प्रभु जी कितना हम कुछ दूसरा सोचे या ऐसा प्रभु, दैट पीरियड दैट 8 to 10 hours, सो दैट ऑल्सो वी कैन से इट्स असत्संग प्रभु, और that our karma that we have to do प्रभु, मतलब हमारा जो कर्म है वो हमको करना है प्रभु। हरे कृष्णा। हरे प्रभु, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और जैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो ऑफिस जो है हम लोग को तो जाना ही है। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा तुम अपना कर्म मत करो, तो ऑफिस जाना या काम करना या कुलीग के साथ इंटरेक्ट करना उसको हम लोग एसोसिएशन नहीं बोलेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं कि मेंटल जब अपना एसोसिएशन होता है उनसे, हम लोग बहुत ज्यादा कोई अपना ऑफिस का कुलीग है बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर, अरे वाह यार कितना अच्छा से काम करता है ये, या कितना अच्छा इसने ड्रेस पहना है, या कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा लगता है। तो वेन वी एसोसिएट मेंटली दैट इज एसोसिएशन, वो नहीं होना चाहिए। वी शुड बी ना इंटरनली वी शुड बी थिंकिंग ऑफ लॉर्ड, एक्सटर्नली खाली अपना काम करना है, यू नो कि वो उसका फील्ड में अच्छा है, मेरा ये काम है मुझे ये करके देना है, तो सो जो भी है जो टारगेट है अपना वो पूरा किया, वो दे दिया अपना काम हो गया खत्म। और जैसे ऑफिस से बाहर निकले वी फॉरगेट कि हम लोग क्या कर रहे थे और क्या चल रहा था ऑफिस में, वी डोंट नो एनीथिंग। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, और हम लोग देखे हैं तो खुद भक्तिविनोद ठाकुर जी जो थे वो मजिस्ट्रेट थे एंड ही वॉज वर्किंग इन ऑफिस, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब संघ त्याग, मतलब उन्होंने कहा है संघ त्याग करो तो सब ऑफिस में नहीं जाना है, हिमालय पर जाके रहना है, नहीं। हम लोग अपना कर्म करते हुए हम लोग को जो है भगवान का भक्ति करना है हम लोगों को, तो संघ त्याग में
मेंटली अप्रिशिएटिंग और गेटिंग एसोसिएटेड विद समबडी, वो जैसे मतलब वो एक बहुत अच्छा और एक भी पॉइंट बोलते हैं कि जैसे अगर कोई लस्टी है तो भले उसमें कितना भी अच्छा गुण हो, ही इज डेंजरस फॉर अस और उसका संग हम लोग नहीं कर सकते हम लोग, बट इफ यू अप्रिशिएट मेंटली टू हिम, अरे यार कितना अच्छा है ये, कितना अच्छा काम करता है, दैट इज एसोसिएशन, दैट शुड नॉट हैपन. इवन वो कहते हैं कि वन इज अ फ्रेंड ऑफ सच ए लस्टी पर्सन, उससे भी अगर हम एसोसिएट करते हैं तो भी हमारा फॉल डाउन हो जाएगा. मतलब लस्टी पर्सन इज सो डेंजरस, लस्टी पर्सन से हम लोग एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, बट उसका एक फ्रेंड है उससे भी अगर हम आ सकते हैं, देन ऑल्सो अवर फॉल डाउन इज श्योर 100%. सो दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन और संग त्याग. मेंटली वी डोंट गेट अटैच, संग त्याग में ऐसा नहीं कि ऑफिस नहीं जाना, यू मेंटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम देम, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है, या मेरा बॉस है या मेरा कुलीग है या मेरा जूनियर है, तो हाउएवर दे मटेरियली दे माइट बी, बट दे आर नॉट कृष्ण डिवोटी. बस वी गो, लॉर्ड हैज गिवन मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू फुलफिल माई एक्टिविटीज. एंड जैसे आज सुबह अपने श्याम रसिक प्रभु जी ने बोला कि बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखना है अपने को, तो ऑफिस तो जाना ही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग संगत त्याग मतलब ऑफिस नहीं जाएंगे, हम लोग विल गो टू ऑफिस टू डू आवर ड्यूटी बट विदाउट एनी अटैचमेंट टू एनी ऑफ द पर्सन ओवर देयर. हरे कृष्ण. वर्क इज ऑल्सो टर्म्ड एज गॉड ओनली नो. Sorry, Mataji, can you repeat? Work is also termed as God only, and Manava Seva is Madhava Seva. No, Mataji, this is, I think, somewhere some wrong conception has come where people say work is God. Work, which is the karma we have to do. Yes, with concentration. Yeah, but when we do that work, thinking of God, thinking of Krishna, yes, then it will be an appropriate work, because we are doing that work for Krishna. Like Arjuna was killing his grandfather, Arjuna was killing yes. his enemies, Arjuna yes. was killing his guru, but that was for Krishna. But so that Krishna that work, has told he has to do his duty. Yeah, he has to ask him to do the duty. Yeah, that was his instruction. तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्यच्च. यू हैव टू डू योर ड्यूटी, बट दिस डज नॉट मीन दैट दैट वर्क विल बिकम गॉड. मेनी पीपल डू हैव दैट दैट आई डोंट नीड टू वर्शिप कृष्णा, आई विल जस्ट डू माय वर्क, आई विल गो टू ऑफिस, आई विल टेक केयर ऑफ माय वाइफ, आई विल टेक केयर ऑफ माय चिल्ड्रन, एंड दैट इज इनफ, विद दैट ओनली आई विल रीच गोलोक वृंदावन, आई विल गो टू वैकुंठ. दैट विल नॉट दे आर सैटिस्फाइड विद दैट. Yeah, many people are satisfied with that. They said, I don't want to go beyond that. So that is wrong. But ultimate is Krishna only. Whatever yeah. we do, ultimate is Krishna. Yeah, ultimate is Krishna. So whatever we do, we have to keep Krishna in the center. And we have to act for him. We have to do all the work what we are doing for him. Whatever puja or work or karmas we have to do for Krishna, like it was done by great devotees like Madhvacharya, Ramanujacharya, Arjuna, they were all working for Krishna. But getting into this concept that work is enough, I don't want to worship Krishna, I will just take care of my family, then everybody is doing that. Even animals are taking care of their family. Sorry, Mataji. It is a monotonous thing. Everywhere yeah. it is being done. Yeah, yeah. This is somewhere some wrong conception coming in between on the name of philosophy. Yes. So, yeah. Thank you, Nandini Mataji, for bringing this point. Sorry, this one. ओके, अगर और कोई पॉइंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे.
नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए, और हम लोग पढ़ते हैं भागवतम, श्रीमद भागवतम, हरे कृष्णा।